चलिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर एंड सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण अपन ने क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था। और उसी लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आज हम क्या पढ़ेंगे, आपका इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपको मैं क्लियरली बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस को स्टैंडर्ड पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। वो पोटेंशियल एनर्जी आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, स्प्रिंग में स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कोई सी भी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। यहां पर अपन ने वर्ड लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज में क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। मतलब किसी चार्ज की अगर आपसे कोई क्या पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी पूछता है, क्या पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, उस चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा वो उस चार्ज की क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। अब अगर सिंपल तरीके से किसी चार्ज की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू द वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी W अपॉन Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V, ठीक है। और अभी अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी है, क्या डेफिनेशन पढ़ी है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यानी किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी उसको इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क डन के बराबर होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी U, वो किसके बराबर हो जाएगी, W के, यानी क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो अगर किसी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो तो पहले जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है उस पॉइंट की क्या निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, और उसमें क्या किसका मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना और उसमें चार्ज का मल्टीप्लाई कर देना, तो चार्ज की क्या निकल जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज, ठीक है, या इसी को अपन ऐसे बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ड्यू टू एनदर चार्ज, यानी दो चार्ज हैं उनमें से किसी एक की पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में ये दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों ही सेम क्यों होंगे, क्योंकि आपका पहले चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा, जीरो, केवल दूसरे चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सिस्टम की और उस चार्ज की भी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो दो चार्ज के केस में किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो,
या सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो, दोनों सेम आती है। केवल दो चार्ज के केस में, तीन चार्ज के केस में या चार चार्ज के केस में सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाती है और एक सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी अलग हो जाती है। तो अभी अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, मतलब एक चार्ज की दूसरे चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी या दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। तो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं, लेट अ चार्ज क्यू वन इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ, एक चार्ज ले लिए क्यू वन, कहां पर रखा है, पॉइंट ओ पर रखा है, ठीक है। अनदर चार्ज क्यू टू इज प्लेस्ड एट पॉइंट पी विच इज एट आर डिस्टेंस अवे, हूज पोटेंशियल एनर्जी इज टू बी डिटरमाइंड, ठीक है। मतलब दूसरा चार्ज कौन सा लिया है, Q2 लिया है, कितनी डिस्टेंस पे रखा है, आर डिस्टेंस पे रखा है पॉइंट पी पर, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, इसकी इसके कारण या इसकी इसके कारण पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, ठीक है, ये चीज याद रखें, और पूरे सिस्टम की भी पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी, केवल दो चार्ज के केस में, दो से ज्यादा चार्ज हो गए तो पोटेंशियल एनर्जी सेम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये निकालेंगे, तो अपन मानते हैं इनिशियली Q2 इज एट x डिस्टेंस अवे फ्रॉम Q1, ठीक है, अभी यहां पर नहीं, अपन मान लेते हैं कि Q2 कहां पर डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है, कहां से, Q1 से, देन फोर्स ऑन Q2, तो Q2 पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। इफ Q2 displaced by distance dx, then वर्क डन, ठीक है, अगर Q2 को मैं कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता हूं, dx डिस्टेंस से डिस्प्लेस करता हूं, तो वर्क डन क्या होगा, तो dW बराबर F into dx, वर्क डन क्या होता है, फोर्स into डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो dW बराबर आपका क्या हो गया, F into dx, dW बराबर F की वैल्यू रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, dW कहां से, जीरो से W, यहां पर इंटीग्रेशन कहां से करना है, इंफिनिटी से आर तक, ठीक है, चार्ज को कहां से ले जाना है, इंफिनिटी से आर तक आपको ले जाना है, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W लिमिट 0 से W बराबर, ये क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा इंफिनिटी से R तक 1 अपॉन x स्क्वायर का dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट क्या हो गई W, माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन x, लिमिट कहां से कहां तक, इंफिनिटी से r तक, तो ये तो हो गया w बराबर माइनस बाहर q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, पहले x पर, x की जगह पर अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह पर क्या लिखा आपने, r लिखा, माइनस x की जगह पर फिर क्या लिखेंगे, इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो w बराबर क्या हो जाएगा, माइनस q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है,
ये आपका वर्क डन हो गया उस चार्ज को वहां तक लाने के लिए। और जैसा मैंने आपको बताया डेफिनेशन में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट चार्ज। तो यही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यू बराबर क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो वर्क डन है वो फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में किया गया है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज हो जाती, सिस्टम ऑफ टू चार्ज मान लो, या दूसरे चार्ज के कारण पहले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो ये हुए। अब अगर अपन बात करते हैं कि दो से ज्यादा चार्ज का सिस्टम, मैंने ये दो के लिए बताया, दो के लिए ये डेरिवेशन होता है, बोर्ड में आपका ये पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, तो जो न्यूमेरिकल होता है वो दो से ज्यादा चार्ज के लिए भी पूछा जा सकता है। तो दो से ज्यादा चार्ज के लिए दो टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक बनेंगे कि दो से ज्यादा चार्ज के में, दो से ज्यादा चार्ज का जो सिस्टम है उसमें किसी एक चार्ज की आपको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरा क्या पूछा जाएगा कि पूरे सिस्टम की क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों में बता देता हूं करना कैसे है, सिंपल। अगर किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, किसकी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, तो करना क्या है, आपको पहले जिस पॉइंट पे वो चार्ज रखा है उसका नेट पोटेंशियल निकाल लेना, फिर उस पोटेंशियल में केवल चार्ज का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका काम खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है तो आपको क्या करना है कि एक एक चार्ज को वहां अपनी पोजीशन पे लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, उन सब वर्क डन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला मैं सिंप्लीफाई करके बता दूंगा, लेकिन पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे मैं तीन चार्ज का सिस्टम दे रहा हूं, ठीक है, आप समझना मेरी बात को। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अपन थ्री चार्ज की लिख कर लेते हैं, थ्री चार्ज, ठीक है। आप मान के चलो तीन चार्ज का सिस्टम लिया, एक लिया क्यू वन, एक लिया क्यू टू, एक लिया क्यू थ्री, ठीक है। ये तीन चार्ज का सिस्टम, मेरे को क्या निकाला, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, किसी एक चार्ज की, सबकी नहीं, किसी एक चार्ज की क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो मान के चलता हूं मैं क्यू वन की निकाल देता हूं, ठीक है। तो पहले इनका डिस्टेंस क्यू वन से क्यू टू का डिस्टेंस, तो ये हो गया आर वन टू, फिर इनका डिस्टेंस ये आर टू थ्री, फिर इनका डिस्टेंस आर वन थ्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालनी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू वन निकालनी है। तो पोटेंशियल एट क्यू वन, ठीक है। तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा, इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, भाई दो चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालो, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, डिस्टेंस क्या हो गई R12, प्लस इसके कारण पोटेंशियल, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R13, ठीक है। तो ये हो गया V1। अब U1 निकालना, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू V1, तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R12 plus 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q3 upon R13, ठीक। तो ये एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं कि मान के चलो मेरे को U1 नहीं, Q1 की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, Q2 की चाहिए,
तो उसमें क्या करेंगे, इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। तो यू टू का अगर जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4πε0, ठीक है, क्यू 1/r12 प्लस 1/4πε0 क्यू 3/r23, ठीक है भाई। ये इसके कारण और इसके कारण इनटू पूरे में मल्टीप्लाई किसका करूंगा मैं, कौन से चार्ज का, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली यानी क्यू टू की। तो यू टू बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू 1/Q2/r12 प्लस 1/4πε0 Q2/Q3/r23। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी किसकी, दूसरे चार्ज की हो जाएगी। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करता हूं, UN किसी भी U1 निकाल रहा हूं, U1 मतलब पहले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं, किसके कारण, N चार्ज के कारण, कितने के कारण, N के कारण। तो U1 N की बात कर रहा हूं, 1 की पहले चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी N के कारण, तो ये हो जाएगा 1/4, Q1 का बाहर मल्टीप्लाई कर लो, 1/4πε0 Q2/r12 प्लस 1/4πε0 Q3/r13, 1 से डिस्टेंस है 2 की, ये 1 से डिस्टेंस है 3 की, प्लस 1/4πε0 Q4 डॉट 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 चलता जाएगा, 1/4πε0 Qn/r1n, ठीक है। ये एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज के कारण, ठीक है। तो ये एक चार्ज की मैंने क्या निकाली, पोटेंशियल एनर्जी निकाली, किसमें, सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्ज में, ठीक है। अब अगर मेरे को इसी की बात करता हूं, इसी की बात करता हूं, आपको निकालनी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्ज, पूरे तीनों चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूं, किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या होता है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू अमाउंट, इज इक्वल टू सम ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दीज चार्ज 1/1 एट देयर पोजिशन। मतलब कि ये क्या होता है, उस वर्क डन के बराबर, उस वर्क डन के सम के बराबर होता है जो एक एक करके इनको अपनी पोजीशन तक लाने के लिए किया जाता है। मतलब इनिशियली कोई चार्ज नहीं, ठीक है, ये पोजीशंस है, Q1 की पोजीशन कोई चार्ज नहीं है, तो V1 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब Q1 को लाते हैं तो W1 क्या हो जाएगा, Q1 × V1, ठीक है। तो आपका W1 क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यहां पर आप Q1, ये आपकी डिस्टेंस हो गई R12। अब Q2 को लाते हैं तो V2 कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r12। अच्छा, W2 क्या हो जाएगा, Q2 × V2, तो W2 हो जाएगा आपका 1/4πε0 Q1 × Q2/r, ठीक है। फिर यहां पर तो ये डिस्टेंस हो जाएगी क्या, R23, ये क्या हो जाएगी आपका R13। तो V3 कितना होगा, V3 होगा इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, तो आपका क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/r13 प्लस 1/4πε0 Q2/r23, ठीक है। तो W3 क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा Q3 × V3, तो W3 हो जाएगा आपका
डब्ल्यू थ्री हो जाएगा वन सॉरी क्यू थ्री इंटू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन अपॉन आर वन थ्री प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू अपॉन आर टू थ्री। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो W3 क्या हो जाएगा Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, अब पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इन तीनों बर्डन के सम के बराबर होगी, यानी U बराबर क्या हो जाएगी W1 प्लस W2 प्लस W3। तो U बराबर W1 तो जीरो हो गया उसको भले ही मत लिखो, W2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 लिखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की है। तो पूरे सिस्टम मतलब तीन चार्ज का सिस्टम है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी आपकी क्या हो रही है ज्यादा हो रही है। ठीक है, और आपका अगर दो चार्ज मतलब एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हो तो वो क्या आ रही है दो टर्म आ रही है और इसमें तीन टर्म आ रही है। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कुछ और होती है और एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और होती है। अब जनरलाइज करना है एन के लिए, जैसे इसको जनरलाइज किया वैसे अगर इसको जनरलाइज करना है तो क्या करना है एक से पहले सब तक का डिस्टेंस और सभी चार्जों का मल्टीप्लाई, फिर एक को छोड़ देना दो से बाकी सबके, फिर दो को छोड़ देना तीन से बाकी सबके, यानी जो फॉर्मूला होगा अगर मैं जनरलाइज करके लिखूंगा एन के लिए लिखूंगा तो आप समझिए एन के लिए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, एक चार्ज के लिए तो वो लिख दिया है सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो यू बराबर पहले वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री डॉट 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 चलता जाएगा प्लस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू एन अपॉन आर वन एन। ठीक है, ये तो अभी एक चार्ज की कहानी। ठीक है, अब क्यू टू से चालू करेंगे तो क्यू टू से चालू करेंगे तो क्यू वन की डिस्टेंस नहीं लेंगे, अब क्यू टू से आगे के लिए तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री। ठीक है, डॉट 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 चलता जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टू क्यू एन अपॉन आर टू एन। फिर चालू करेंगे कहां से क्यू थ्री से तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू थ्री क्यू फोर, टू नहीं लेंगे आगे से चालू कर देंगे तो एक के कारण जो आप निकाल चुके हो आर थ्री फोर डॉट 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 चलता जाएगा। तो ये सिस्टम के कारण पोटेंशियल एनर्जी हो रही, तो सिस्टम के कारण निकाला या तो इस टाइप से फॉर्मूला निकालो कि एक के कारण सबसे निकालो फिर उसको छोड़ के अगले के कारण सबसे निकालो फिर उसको छोड़ के अगले के कारण सबसे निकालो, इस तरह से सम कर देना क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा, या फिर लिमिटेड चार्ज के लिए आएगा मतलब दो तीन मान लो या चार मान लो उससे ज्यादा नहीं आएगा, तो एक एक को लाने के लिए वर्क डन कर लो और उनका सम कर लो। तो ये हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ सिस्टम, एक चार्ज की पूरे सिस्टम में या पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, दो अलग अलग क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसमें गड़बड़ी नहीं करेंगे। अब आपकी बात करते हैं आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर एक क्वेश्चन आता है जिसको अपन क्लोजर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहते हैं, तो वो अभी अपन करते हैं। तो चलिए अभी अपन ने डिस्कस किया था कि आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन अ सिस्टम ऑफ चार्ज या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज क्या होता है उनका फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया था कैसे निकालते हैं उन्हें डिस्कस किया था। अब अपन बात कर लेते हैं क्या
क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं कि भाई किस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, थ्री चार्ज 1 माइक्रो कूलम कॉमा 2 माइक्रो कूलम एंड 3 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्यूलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड लेंथ 3 सेंटीमीटर फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वन माइक्रो कूलम चार्ज एंड आल्सो फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन दिया है आपके 3 चार्ज हैं, एक 1 माइक्रो कूलम का है, एक 2 माइक्रो कूलम का है और एक 3 माइक्रो कूलम का है। ये जो तीनों चार्ज हैं वो कहां पर रखेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रखेंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड बराबर होती है और तीनों साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। तो आपको क्या निकालना है? पहले तो 1 माइक्रो कूलम चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी, फिर सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहले डायग्राम बनाएंगे, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। यहां पर 1 माइक्रो कूलम रख दिया ए पर, बी पर मैंने क्या रख दिया? 2 माइक्रो कूलम, सी पर मैंने रख दिया आपका 3 माइक्रो कूलम। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने पूछा सबसे पहले इसका वर्क डन, तो पहले क्या करना है? इन दोनों के कारण यहां पर पोटेंशियल निकालो। तो वी वन क्या होगा? 1/4πε0, ये क्या हो जाएगा? 2×10⁻¹। डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 3×10⁻²। प्लस इसके कारण पोटेंशियल 3 हो जाएगा, 1/4πε0 3×10⁻³ −6/3×10⁻²। तो V1 क्या हो जाएगा? ये होता आपका 9×10⁻9, कॉमन ले लिया, बचा गया ब्रैकेट में ये 2/3×10⁻⁴ +10⁻⁴, ठीक है। 10⁻⁴ कॉमन आएगा, तो V1 बराबर 9×10⁻⁴, क्या बचेगा? 2/3 + 1। सॉल्व कर लेता हूं, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? 9×10⁵, ये हो जाएगा 3×5 / 3×, तो ये 3 15। V1 बराबर 15×10⁵ बोल्ट, या V1 बराबर 1.5×10⁶ वोल्ट। ये तो आपका पोटेंशियल आया है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आई। तो आपका क्या होगा? आपका होगा सीधी सी बात है, U1 होगा Q1 × V1। तो U1 बराबर हो जाएगा आपका 10⁻⁶ × 1.5×10⁶ जूल। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, U1 बराबर हो जाएगा 1.5 जूल, ठीक है।
डायरेक्ट भी कर सकते थे, फॉर्मूला लगा के सॉल्व भी कर सकते थे। यू वन का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 1/4πε0 कॉमन ले लिया, Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13। ठीक है, दो चार्ज की कहानी ये हुआ। तो U1 बराबर क्या हो जाता है, 9 × 10⁻⁹, ये Q1 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁶ अपॉन क्या 3 × 10⁻²। तो U1 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूले से बता रहा हूं मैं सॉल्व करके, 9 × 10⁻⁹, इसको सॉल्व करेंगे 12, 2 से जाएगा तो 2/3 पूरे 10^-10 प्लस 10^-10 कॉमन आ जाएगा। तो U1 बराबर 9 × 10⁻⁹ ये हो जाएगा 2/3 + 1, ठीक है 5/3। तो U1 बराबर 9 × 10⁻⁹ × 5/3। तो U1 बराबर 15 × 10⁻⁹, यानी U1 बराबर 1.5 जूल। तो चाहे फॉर्मूले से डायरेक्ट कर लो, ठीक है, या फिर आपका पोटेंशियल निकाल के कर लो, आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो ये तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकली। अब अगर मेरे को पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या होता है कि एक एक को लाने के लिए वर्गणन का कर लो, तो W1 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको लाने के लिए कोई वर्ग, इनिशियली ये मानते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो आपका W1 क्या होगा, 0। W2 क्या होगा, इसको ला रहे, तो इसके कारण पोटेंशियल और ये, तो W2 हो जाएगा 1/4πε0 Q1 upon R12 into Q2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁹ upon 3 × 10⁻⁹−2। तो W2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻¹। ठीक है, ये W2। फिर W3 की बात करते हैं, तो W3 तीसरे चार्ज को लाने के लिए किया गया वर्गमूल, तो W3 क्या हो जाएगा, Q3 × 1/4πε0 Q1 upon R13 plus 1/4πε0 Q2 upon R23। ठीक, तो W3 हो जाएगा आपका 3 × 10⁻⁶। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 कॉमन ले लो तो 9 × 10⁻⁹ कॉमन आ गया, बचा क्या, 10⁻⁶ upon 3 × 10⁻⁻² प्लस 2 × 10⁻⁶ upon 3 × 10⁻⁹। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो W3 = क्या होगा, 10⁻⁶ भी कॉमन, नीचे से भी कॉमन, तो ऊपर हो जाएगा 27 × 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दिया पावर एट हो जाएगी × 10⁻⁶ upon 3 × 10⁻⁹−2। ये क्या बचेगा यहां पर, 1 + 2 कॉमन लेके सॉल्व किया, ये ऊपर से कॉमन आ गया, ये नीचे से कॉमन आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा 9 3 का, तो W3 हो जाएगा 27 × ये पावर सॉल्व होगी तो 10⁻⁹। ठीक है, तो W2 कितना हुआ, 0.6 जूल, और W3 कितना हुआ, 2.7 जूल। तो आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगी आपका, W1 प्लस W2 प्लस
डब्ल्यू थ्री, यानी यू क्या हो जाएगी आपकी 0 + 0.6 + 2.7, यानी आपका क्या हो जाएगा यू बराबर हो जाएगा 3.3 जूल। तो एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। अगर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से भी मैं आपको बता देता हूं कैसे होगी। U बराबर क्या होगा, 1/4 pi epsilon कॉमन ले लो पहले Q1 के कारण, तो Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13। तो Q1 के कारण सारे चार्ज हुआ प्लस Q2 के कारण, ठीक है। तो Q2 के कारण Q1 नहीं लेना, उसको छोड़ देना, तो Q2 Q3 upon R23, ठीक है। क्यू टू करंट सारे हो गए, अगर नहीं होते चौथा होता तो वो भी लिखते, ठीक है। फिर क्यू थ्री करंट, क्यू टू और क्यू वन को नहीं लेना, मतलब कुछ नहीं लेना, बस यू ये हो गया। यू बराबर 9 × 10⁻¹⁹ ये होगा 10⁻⁶ × 2 × 10⁻⁶ अपॉन 3 × 10⁻²। ये डिस्टेंस का याद रखना है, यहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सारे डिस्टेंस सेम आ गए थे। कई बार क्या होता है स्क्वायर आएगा, कुछ और शेप आ जाएगा, तो डिस्टेंस आपको ध्यान से निकालने पड़ेंगे कि कौन से चार्ज से कौन सा डिस्टेंस आपको लेना है, ठीक है। प्लस ये 10⁻⁶ × 3 × 10⁻⁶ अपॉन 3 × 10⁻², प्लस 2 × 10⁻⁶ × 3 × 10⁻⁶ अपॉन में 3 × 10⁻², ठीक। यू ये 9 × 10⁻⁹ तो ये रहा, ऊपर से कॉमन क्या आ गया 10⁻², नीचे से कॉमन क्या आ गया 3 × 10⁻², कॉमन आ गया। यहां क्या बचा 2 + 3 + 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करता हूं तो यू बराबर ये क्या हो जाएगा 5, 6, 11, ठीक है। इधर डिवाइड करूंगा तो 3 × 10⁻⁻¹ और ये हो जाएगा 11, तो 33 × 10⁻⁻¹ जूल, यानी आपका 3.3 जूल। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कैसा भी लगा दिया, आपको समझ के फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है और किसी सिस्टम में एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपके यहां से आते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक मेरे को और करवाना आपका, क्या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड रहता है, ठीक है। आपकी अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो सीधा सा रिलेशन होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv² बराबर पोटेंशियल एनर्जी q × v, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा v² ये कैपिटल v बना है पोटेंशियल, तो v² बराबर 2qv / m, तो वेलोसिटी बराबर √2qv / m। तो अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई चार्ज है उसको इतने पोटेंशियल से एक्सलेट किया, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका बनेगा। ये कभी कभार क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के अपन क्या कर सकते हैं, और भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, जो मैं बोल रहा हूं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मान के चलो एक चार्ज है यहां पर Q2 या इनफाइनाइट, मतलब काफी दूर से, ठीक है, काफी दूर से, मतलब डिस्टेंस नहीं दिया, एक चार्ज Q2 को
जिसका मास m है, वेलोसिटी v के साथ इसकी तरफ फेंका जाता है। अब ये q2 है तो इसको q बदल दो, इसकी तरफ फेंका जाता है, ठीक है। तो क्या होगा अगर ये एक जैसे चार्ज है तो इनमें क्या होगा रिपल्शन, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद ये क्या हो जाएगा वापिस लौट जाएगा, तो वो जो डिस्टेंस होगी उसी को अपन क्या बोलते हैं क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच क्या होता है, चार्ज पार्टिकल बम्बार्डेड ऑन अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ सिमिलर नेचर, देन आफ्टर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इट रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ, दैट डिस्टेंस इज नोन एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब यहां पर आप सोचेंगे सर कूलम्स लॉ लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, ठीक। तो पहले क्या होगा इनिशियली जब इधर से फेंक रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस दिया होगा तो आपको ये डिस्टेंस की पोटेंशियल एनर्जी भी आपको लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ये डिस्टेंस नहीं दिया है बहुत दूर से फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपको इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी के आई आई बराबर 1/2 mv², ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर डिस्टेंस नहीं दी है इधर की तो आपकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी जीरो, ठीक है। अब यहां पर जब ये इस पॉइंट पर आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी जीरो होगी, तभी वो क्या होगा रिटर्न होगा, ठीक है। तो आपका के ई फाइनल क्या हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो 1/4πε0 q1 q2 upon r0, ठीक। r0 क्या है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा टोटल एनर्जी बिफोर, पहले जितनी टोटल एनर्जी थी और बाद में जितनी टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी सेम रहेगी, ठीक है। तो पहले क्या थी केवल काइनेटिक एनर्जी थी, अगर डिस्टेंस दिया होता तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते थे, तो mv² बराबर बाद में काइनेटिक एनर्जी रो केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगी 1/4πε0 q1 q2 upon, ठीक है। आपको क्या लिखा है r0, तो r0 बराबर 1/4πε0 q1 q2 upon 1/2 mv², ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच हो जाती है, इस पर आपके न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दिया है, थोड़ा सा इन पर घुमाकर न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल आप फोकस करके, हाँ कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, जरूर बताएं, व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, कैसे भी करें, जो भी दिक्कत आ रही है मैं आपका प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।